लखनऊ के आशियाना स्थित यूनाइटेड अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार ट्रस्ट के कार्यालय पहुंचे। श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान व गौशाला श्री गंगानगर राजस्थान के डायरेक्टर सुनील यादव ने बताया कि सामाजिक कार्यों के लिए उत्तर प्रदेश में पदाधिकारियों का चयन कर संस्थान का विस्तार किया गया है। ये जानकारी उन्होंने आयोजित प्रेस वार्ता में दी। ये प्रेस वार्ता इसलिए रखी गई है क्योंकि सुनील भैया हमारे श्री गंगानगर से राजस्थान से चल के यहाँ आए हैं, राधा कृष्ण सेवा संस्थान से। इनके यहाँ हम लोग गए थे, वहाँ ये बहुत अच्छा नेक काम कर रहे हैं, उसी विषय में ये प्रेस वार्ता रखी हुई है। सुनील जी, आप अपना संस्था के बारे में बताएं थोड़ा। श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान एक अनाथ बच्चों की, बेसहारा बुजुर्गों की संस्था है। उसमें राधा कृष्ण जी का मंदिर बना हुआ है और गौशाला बनी हुई है। संस्था के बहुत सारे उद्देश्य हैं, यही हम आज मीडिया के सामने बता रहे हैं। जैसे कि कोई गरीब परिवार हो, बच्ची की शादी करने में सक्षम नहीं हो, ठीक है, बच्ची की शादी करने में अगर उनको कुछ हेल्प चाहिए या पूरी शादी अगर वो चाहें तो संस्था की तरफ से करवा सकते हैं हम। चाहे कितनी भी लड़कियां हो, 10 हो, 5 हो, 15 हो, कहीं की भी हो, ज़रूरी नहीं है कि राजस्थान की ही लड़कियां हो, यूपी की हो, बिहार की हो, किसी भी अदर स्टेट की। कोई ऐसा परिवार, गरीब परिवार की, वो चाहे किसी बच्चे का इलाज करवाने में जो गंभीर बीमारी से पीड़ित है, या कोई बुजुर्ग महिला हो, जेंट्स हो, किसी भी बड़ी बीमारी से कोई पीड़ित है, वो इलाज कराने में सक्षम नहीं है परिवार वाले, उसका इलाज हमारी संस्था श्री राधा कृष्ण सेवा संस्थान की तरफ से पूरा इलाज फ्री किया जाएगा।